इससे ऊपर कोई नहीं, इससे ताकतवर कोई नहीं, इसे छोड़ के। कई सारे लोगों को बस यही पता होगा कि हल्क ताकतवर है, गुस्से से उसकी ताकत बढ़ती है, उसे कोई नहीं हरा सकता, वो सबसे टफ ओपोनेंट है और वो बहुत दूर तक जंप कर सकता है। लेकिन गुस्से से हरे होने के अलावा इस पहलवान के पास कई और ज्यादा पावर्स हैं जिसके बारे में सिनेमा फोकस ही नहीं कर रहा है। कॉमिक्स में इसके पास कई और ज्यादा पावर्स हैं जिसे जान के आप हैरान, परेशान और चिंतित हो जाएंगे। तो चलिए हल्क की एबिलिटीज पे कुछ बात कर लेते हैं। I'm sorry. हल्क मरे हुए लोगों को देख सकता है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि मरे हुए लोगों का देखना तो दिमाग वाले लोगों का काम है, जो एडम वॉरलॉक, डॉक्टर स्ट्रेंज और गोस्ट राइडर के साथ साथ और भी कैरेक्टर्स देख सकते हैं। मगर हल्क मरे हुए लोगों को देख कैसे सकता है? बताते हैं भैया। हल्क मरे हुए लोगों को देखने के साथ साथ उनसे इंटरैक्ट यानी बातचीत भी कर सकता है, और यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म को भी देख सकता है। अब ये सारी बातें तो हल्क के साथ कंफर्म हुई है, लेकिन ये कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। कहा जाता है हल्क को ये अपनी भूत देखने वाली पावर्स अपने मरे हुए जल्लाद बाप से मिली हैं, क्योंकि उसका बाप बहुत ही मारपीट और गाली गलौज वाला आदमी था, और हल्क को अपने फादर की इसी बात से तो डर था, जो कि मरने के बाद उसके बाप ने उसे हंटेड कर दिया। कॉमिक में एक बात बोली गई है, अगर आप आत्माओं को देख सकते हैं तो इंसानों से डरेंगे नहीं। नेक्स्ट, हल्क के पास ब्रेन शील्ड है। मान लो, जानता हूँ नहीं हो सकता, मगर मान लो अगर आपकी आपके क्रश से शादी हो जाए, जो कोई भी आपकी क्रश हो, इट डजंट मैटर, आपकी ड्रीम गर्ल से शादी हो जाए, लेकिन एक कंडीशन है, वो आपका दिमाग कंट्रोल कर सकती है, तब इससे बुरा क्या होगा? ठीक इसी परेशानी से बचने के लिए हल्क के पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन शील्ड है, जो उसका दिमाग हैक होने से बचाती है। ऑलमोस्ट कोई भी हल्क का दिमाग हैक नहीं कर सकता है, बस द वन अबव ऑल को छोड़ के। अब इसी बात के बेनाम पे हम कह सकते हैं कि हल्क के पास ये पावर है, लेकिन 100% तौर पे नहीं। यहाँ तक कि प्रोफेसर एक्स और एपोकलिप्स भी उसका दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग कंट्रोल ही नहीं हो सकता, लेकिन जब तक तुम उसका दिमाग कंट्रोल करोगे तब तक वो तुम्हें फाड़ के फेंक चुका होगा। अब हल्क के पास ये पावर आई कहाँ से? कॉमिक्स के मुताबिक हल्क को ये अपनी पावर DID की वजह से मिली है। पागल ये नहीं, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जाहिलों के लिए मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कारण से उसे ये एबिलिटी मिली है, जो कि इसके पावर्स में चार चांद लगा देता है। नेक्स्ट, हल्क फोन होम। वैसे तो हल्क पैदा डेटन ओहायो में हुआ था, लेकिन ब्रूस बैनर को हल्क वाली पावर्स न्यू मैक्सिको में मिली। हमेशा से कोई सुपर अननेचुरल पावर उसे याद दिलाती रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी तरीके की होमिंग इंस्टिंक्ट ने उसे इन सबसे बचा के उसे साउथ वेस्ट के रेगिस्तानों में ले जाती रही है, और बाद में ये रिवील किया जाता है कि ये सुपर अननेचुरल पावर और कोई नहीं, हल्क का फ्यूचर ईवल वर्जन है, यानी भविष्य का हरामी हल्क, जिसका असली नाम मास्ट्रो है। और मास्ट्रो की आत्मा हल्क को बार बार उस बॉम्ब साइट पे ले जाना चाहती है जहाँ पर हल्क ज्यादा से ज्यादा गामा रेडिएशन अब्सॉर्ब कर सके और हल्क को अपने वर्ल्ड में ला सके। लेकिन होता क्या है कि हल्क गामा रेडिएशन तो अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन असली हल्क बुरे हल्क को बुलाने की वजह सारा रेडिएशन अपने फायदे के लिए यूज करने लगता है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट, हल्क एनर्जी को एब्जॉर्ब और एक्सपेल कर सकता है। बाद में हमें ऐसे चौंकाने वाले तथ्य मिले जैसे कि हल्क गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उसे कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड डिग्री पे। हल्क ने अपनी इस शक्ति का जलवा कई सारे कॉमिक्स में दिखाया है, यहाँ तक कि किसी लेजर की तरह उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसे हीरो की स्टाइल में छोड़ना। एवेंजर्स का ये नारा होना चाहिए, जब हल्क हो हमारे साथ तो डरने की क्या बात। हल्क बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा, हद्दे ज्यादा हेल्दी है। ठीक वुल्वरीन की तरह हल्क के पास एक हीलिंग फैक्टर है जो उसे किसी भी बीमारी या एक्सीडेंट से बचाती है। गामा रेडिएशन का एक फायदा यह भी है कि हल्क के बॉडी के अंदर कोई भी जर्म्स उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं तो उसके शरीर में गामा रेडिएशन वाले एंटीटोड्स उसे खत्म कर देते हैं। हल्क के शरीर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी जहर या रोग उसे छू भी नहीं सकता। मान लो गुस्से में उसे तुम जहर दे भी दिए तो हल्क क्या करेगा? सुभाग देगा, और क्या करेगा? हल्क कितनी भी पी ले उसे चढ़ेगी नहीं, जहर दे दो मरेगा नहीं, तो दुनिया में आया क्यों है? हमारा मनोरंजन करने में यार, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट, फास्ट लर्निंग। कहीं ना कहीं आपने ये देखा ही होगा कि हल्क एवे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है या पानी के अंदर घंटों तक लड़ता रहता है। ये बात तो सबने गौर की होगी, और ये कोई कर पाए या ना कर पाए,
हल को सांस की भी दिक्कत नहीं है, मतलब इसे अस्थमा भी नहीं हो सकता। गजब है ससुरा, कहने सरकारी डॉक्टर का फार्म भर देता। स्पेस में जाते समय हल को सांस की भी दिक्कत महसूस नहीं होती है, फ्लाइंग जेट की तरह। एयर प्रेशर में उसके बैड एग्जांपल, एयर प्रेशर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता और स्पेस का वैक्यूम भी उसे नहीं मार सकता। आई थिंक यहाँ कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन इन सब सवालों का जवाब शील्ड के पास है। शील्ड कहता है कि गामा रेडिएशन ने उसे ये एबिलिटीज दी हैं कि वो किसी भी कंडीशन या एटमॉस्फेयर में रहे वो मर नहीं सकता। इसकी माँ का गामा, गामा कितना गामा? मम्मी पैसे दो, गामा लेना है। हल के पास सुपर ब्रेथ है, सब जानते हैं कि सुपरमैन के पास सुपर ब्रेथ है, लेकिन क्या आप जानते हैं हल के पास भी फौलाद की औलाद वाले फेफड़े हैं। हल्क अपनी इस पावर को कई बर्थडे पार्टीज में यूज करके हीरो भी बन चुका है और उसकी ये पावर उसे अपने दुश्मनों से लड़ने में भी मददगार साबित हुई है। कई बार तो सिर्फ हल्क अपने सिर्फ एक फूंक से ही पूरे जंगल को उड़ा देता है। एक एग्जांपल के तौर पे हल्क नंबर 273 में हल्क अपने एक फूंक से ही इस भले मानुष की मदद कर रहा है। ये सब देख के लगता नहीं है कि हल्क को प्रकृति माँ की चिंता है? हल्क नहीं डरता, लेकिन तुम डरो। डरो बेटा, डरो प्रकृति माँ से डरो। हल्क स्पेस टाइम के बीच में भी पंच कर सकता है। यहाँ हल्क अपने सुपर नेचुरल पावर से भी आगे के काम कर रहा है। हल्क अपने सिर्फ और सिर्फ एक पंच से कई डायमेंशन और डायमेंशंस के बैरियर्स को नेस्तो नाबूत यानी खत्म कर सकता है। एक कॉमिक में तो हल्क एक टाइम स्टॉर्म के बीच में पंच कर देता है और दूसरी कहानी में तो ये अपने पावर से एक ब्लैक होल ही क्रिएट कर चुका होता है। अब इन सारी पावर्स के मद्देनजर हम ये कह सकते हैं कि हल्क के पास भगवान जैसी पावर्स हैं, लेकिन भगवान नहीं है।